तो गुड मॉर्निंग गाइस, दगड़ियों 8:15 हो गए हैं और आज का मौसम बड़ा खतरनाक कह रहा है। ह्यूमिडिटी जहाँ तक मेरी अंदाज है, तो ऐसा कुछ है बाहर में। बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रखा है बाहर। बर्तन अभी मांजने पड़ेंगे, चाय हमारी बन रही है। पता नहीं क्या हो गया, बटन इतना टाइट क्यों ऐसा है। यही है वैसे, पैकेट का दूध पियो और अपनी ताकत बढ़ाओ। कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, इतना सारा फॉग है। और ये फॉग जरूर आया होगा, ये हमारे पहाड़ों पे शायद बर्फबारी होगी या वहाँ का मौसम और ठंडा हो गया होगा, तो इसीलिए इतना फॉग यहाँ पर आ गया। मतलब बेसिकली वही है, नमी है तो फॉग आएगा आपका, और कुछ चीज़ें तो ऐसे होते हैं कि पॉल्यूशन वगैरह होती है काफ़ी। शायद भी होता है ये लास्ट फॉग है, उसके बाद तो क्या ही फॉग आएगा यहाँ गुड़गांव में। तो एक मीटिंग अभी जस्ट ख़त्म हुई है, तो यूजली हमारी एक 10 बजे मीटिंग होती है, 10, 10:30 बजे, उसको बोलते हैं डेली स्टैंड अप कॉल। तो वो 15 मिनट की मीटिंग होती है और वो जस्ट अभी फिनिश हुई, और उसके बाद एक दो मीटिंग और है, मैं भी दिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, रिलेटेड अवर कंपनी के बारे में, तो मैं मेल वगैरह दिखाऊंगा नहीं। बट वो मीटिंग है मेरी 12 बजे, फिर एक मीटिंग है मेरी 3:30 बजे, फिर 2-3 मीटिंग है मेरी शाम को। तो थोड़ा उतना बिजी भी नहीं है, उतना फ्री भी नहीं है, बट ठीक है, मैनेजेबल है आज का दिन। और अब देख सकते हो धुंध वगैरह भी चला गया है, अब तो धूप तो नहीं लगी है पर धुंध वगैरह अब काफ़ी विजिबिलिटी हो गई है, तकरीबन तकरीबन शायद 1 किलोमीटर कह रहा हूँ। तो आज का मौसम कुछ ऐसा ही है यार। वही देखो, हाँ ये आपको दिख रहा है, ये दादाजी और उसके बच्चे, ये बेसिकली मुझे पार्क में मिले थे, तो ये आई थिंक श्रीनगर के हैं, डिस्कशन हुआ था हमारा, तो कह रहे थे कि हम श्रीनगर के हैं, श्रीनगर के उधर पौड़ी गांव में, पता नहीं कौन सा गांव बोले तो, और हम तो रह गए हम तो छह पहाड़ बस। तो बोले के वो गाना भी याद नहीं आ रहा है, बट एक बहुत फेमस गाना है, तो बिस्लेरी वाली मे डांडो छो छो। ठीक है जी, तो ये प्यूरीफायर मैंने लिया था 1 साल पहले, और अब क्या होता है कि आपका वाटर प्यूरीफायर में हर 6 महीने बाद शायद एक फर्स्ट फ्री सर्विस होती है, तो वो फ्री सर्विस का कॉल मुझे आ गया था जब मैं नवंबर में घर में था, पर उस टाइम मैंने कैंसिल करा था, फिर दोबारा मुझे बुक करना पड़ा। तो बेसिकली क्या करते हैं, फ़िल्टर विल्टर चेक करते हैं, फिर इसको इधर मिलाना है, ठीक है, फिर इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है, फिर आपको ये हो गया नोज़, हो गया ये बन गया, फिर आपको ये हो गया गोल, कान हो गया बेसिकली, सॉरी कान तो नहीं, इसके हॉट आइस टाइप का है, ठीक है ये बन गया, और ये आके सिंह हो गया, इसके बन गया सिंह, और ये इसके कान हो गए। तो देखो 5 से क्या बन गया, आप लोग भी बना सकते हो। वेगाट से आए थे, उसमें वैसे कुछ खराब नहीं होता है, तो अगर पार्ट कुछ खराब होता है तो उसका अलग वॉश चेंज होता ही होता है, तो 1 साल बाद उसकी लाइफ होता है। तो अभी आपने हर 6 महीने बाद ये, अच्छा वो इसके बाद ना, अगस्त के जैसे सितंबर अक्टूबर में आपका ये फिल्टर भी चेंज कर रहा हूँ अंदर। हाँ अक्टूबर में, भाई तो मेरा फिल्टर चेंज हो गया है पानी का, अब ये मेरा पहला, अभी मैंने पता किया तो साल में, मतलब जब आप खरीदते हो ना वीगार्ड, तो आपको 2 सर्विस फ्री मिलते हैं। अब वो 2 सर्विस क्या रहता है, वो ये इसके अंदर जो फिल्टर रहता है ना ये वाला, बस यही आपको हर चेंज कराएंगे 6-6 महीने में, और उसके बाद कुछ शायद AMC सर्विस बोल रहा था कि उसके बाद पेड करना पड़ेगा आपको, अगर AMC सर्विस लेते हो तो कुछ पैसा कम होगा आपका या फ्री होगा, कुछ ऐसा कुछ है, अगर नहीं होगा तो शायद साल का 4,000 रुपये तो मान के चलो, इस पर पूरा इतना तो है। ये वाला चेंज किया इसमें, और ये देखो ये कुछ है इसका फिल्टर, काफ़ी डिफरेंट है, गत्ते को तो कुछ है नहीं, देखो
तो नया ही है ये, पता नहीं क्या ही चेंज किया उन्होंने कि पानी वगैरह साफ रहता है उतना, तो गंदा पानी तो आता नहीं यहाँ पर। तो वो पानी का डिपेंड करता है कि आपके उसमें पानी कैसा, कितना गंदा आता है, कैसा आता है, तो ये भी चीज़ है। ठीक है चलो बढ़िया। ये देखो भाई, अफोर्डेबल होम का हालत यही होता है। देखो सीलन पकने लगी और पपड़ी पपड़ी निकल गई, अभी निकलता रहेगा। अब मेंटेनेंस वालों को बोलना पड़ेगा सही करने के लिए। और यहाँ देखो, ये मास्टर बेडरूम के साइड का है, तो यही होता है अफोर्डेबल हाउस की हालत। आधा किलो केनो बोलते, क्या बोलते उसको, हाँ 40 है ना, कितना 100 रुपये का 2.5 किलो, 100 रुपये का 2.5 किलो तो बहुत ही ज़्यादा ही है। तो 100 रुपये का 2.5 किलो बोला तो 40 रुपये किलो, तो 20 रुपये का मैं आधा किलो लेके आया, 3। ठीक है, ये पता नहीं क्या की रहे हैं इसमें आज, ये कुछ जलक आया हुआ है इधर। ये अपनी गाड़ी है और देखो भाई ने कवर को डाला हुआ है गाड़ी पे एकदम परफेक्टली, ताकि धोने में कोई दिक्कत ना हो। सही है भाई यार, डेली कौन साफ करे, और हर आपको अगर गाड़ी को धो धो से बचाना है तो ये सबसे बेस्ट है, कवर डाल दो बस। अरे जाने का रास्ता भी नहीं इधर, के कहाँ से जाएं। अरे बाबा नो, चलो यहाँ से चलते हैं आप स्टेयर से। वन ये फर्स्ट है, सेकेंड स्टेयर आ गए। स्टेयर से मैंने कभी देखा भी नहीं किसी को आते ही नहीं जाते हुए, सब लोग बस लिफ्ट से लिफ्ट से लिफ्ट से स्टेयर से जाएंगे तो पतले हो जाएंगे भाई। ये आ गया अपना तीसरा फ्लोर, हाँ ठीक है, कम से कम वर्दिश होती है। चाबी कहाँ रखी है, हाँ जी ओके, आज जल्दी हो गए फ्री, नहीं तो भाई हमेशा 1 घंटे तक वॉकिंग करते हैं।